एनडीए से जेडीयू के बाहर हो जाने के बाद आज शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी को नसीहत दी है। शिवसेना ने बीजेपी को कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे को अपनाने की नसीहत दी है। मोदी की हिंदुत्ववादी एजेंडे के नाम पर एनडीए से जेडीयू के अलग होने के बाद शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को खुलकर हिंदुत्व के मुद्दे के साथ आ जाना चाहिए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने लिखा है, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को कमान थमा दी है। मोदी श्रीराम का बिगुल फूंक कर देश पर झंडा गाड़ने चले हैं, लेकिन अब जरूरत है कि बीजेपी देश जीतकर फिर एक बार श्रीराम को वनवास न भेजे। शिवसेना ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलकर हिंदुत्व के मुद्दे को अपनाने की नसीहत दी। शिवसेना ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा है कि हिंदुत्ववादियों को जनता की फिक्र बिल्कुल नहीं है। शिवसेना ने एनडीए से किनारा कर चुके जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को भी जमकर आड़े हाथों लिया। हम हिंदुओं के पक्ष में ये बोलने में ना हमें डर लगता है या दूसरा कोई उद्देश्य हो सकता है, तो वो हिंदुओं की भूमिका आगे बढ़ानी चाहिए। उधर सामना में बीजेपी को आड़े हाथों लेने के मुद्दे पर एनसीपी ने भी चुटकी ली है। शिवसेना के नेताओं के मन में भारतीय जनता पार्टी के जो भी हिंदुत्व के बारे में विचार है उसके बारे में उनको खुद को शक है। जेडीयू के जाने के बाद एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रही है, जिसके लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है।